हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास में हम डिस्कस करेंगे कुछ बेसिक ट्रिक्स और कुछ बेस्ट ट्रिक्स एसएससी सीजीएल एग्जाम्स के लिए। और इसमें हम एक क्लोज टेस्ट डिस्कस करेंगे और ये एक रियल क्लोज टेस्ट है और सीपीयू एग्ज़ाम में एक क्लोज टेस्ट पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं इस क्लोज टेस्ट को किस तरीके से हम डिस्कस कर सकते हैं और क्या ट्रिक्स हैं क्लोज टेस्ट को करने की। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा हमारा जो टारगेट बैच है एसएससी सीजीएल 2018 के लिए टीयर वन के लिए उसके बारे में है। इसके थ्रू आप पूरी अपनी इंग्लिश की और पूरी जीके की प्रिपरेशन कर सकते हैं और हाईएस्ट मार्क्स आप घर बैठे स्कोर कर सकते हैं, मोबाइल पर आप स्टडी कर सकते हैं। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा और इन नंबर्स पर भी इस टारगेट बैच के थ्रू आप मुझसे टारगेट बैच के लिए मुझसे आप बात कर सकते हैं। देखिए, ये क्लोज टेस्ट है और ये सीपीओ एग्ज़ाम का रियल क्लोज टेस्ट है। सीपीओ एग्ज़ाम में पूछा गया है और ये न्यू पैटर्न का क्लोज टेस्ट है। यहाँ पर एक क्लोज टेस्ट दिया है और यहाँ पर पार्ट बाई पार्ट इसमें अलग से क्वेश्चन दिया गया है और उसमें आपको फिल करना है। ठीक है, जैसे सभी पार्ट्स इसमें सेपरेटली दिए गए हैं, आप देख सकते हैं, उनको आपको फिल करना है। तो यहाँ से हम इसको पढ़ते हैं। इट इज़ ऑब्वियसली रॉन्ग एज द कॉस्ट ऑफ द स्कूल यूनिफॉर्म बुक्स एंड स्टेशनरी एंड ट्रांसपोर्ट ऑल आर अंडर द मोनोपोली ऑफ द स्कूल आर नॉट इंक्लूडेड। देखिए, यहाँ पर इस पैराग्राफ में ये बात हो रही है कि स्कूल का जो रेवेन्यू आता है, स्कूल के पास जो फंड आता है, वो फीस के अलावा स्कूल यूनिफॉर्म बुक्स और स्टेशनरी और ट्रांसपोर्ट से भी आता है, क्योंकि स्कूल जो फीस लेता है उसमें इसकी फीस इंक्लूड नहीं रहती है। इसकी फीस सारे स्कूल्स अलग से चार्ज करते हैं, स्कूल यूनिफॉर्म हो या बुक हो, स्टेशनरी हो या ट्रांसपोर्ट हो। तो ये इसमें बात हो रही है। तो किसी भी क्लोज टेस्ट को करने से पहले आपको, यदि टाइम आपके पास सफिशियंट है, तो पूरा क्लोज टेस्ट पर पढ़ना है और एक फेयर आइडिया लेना है कि इस क्लोज टेस्ट में किसके बारे में बात हो रही है, तभी आप सही ऑप्शंस को फिल कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपने एक लाइन पढ़ी और आपने फिल करना शुरू कर दिया। आपको पूरा पैराग्राफ पढ़ना है, या पूरा आप नहीं पढ़ सकते तो आधा कम से कम उसको पढ़ना है और एक फेयर आइडिया लेना है कि किस बारे में है ये क्लोज टेस्ट। तो इट इज़ ऑब्वियसली रॉन्ग एज द कॉस्ट ऑफ स्कूल यूनिफॉर्म बुक एंड स्टेशनरी आर ट्रांसपोर्ट ऑल आर अंडर द मोनोपोली ऑफ द स्कूल। अब देखिए यहाँ पर क्या फिल होगा। यहाँ पर देखिए दो ऑप्शन है, चार ऑप्शन है, विच, दैट, दोज और वैन। अब देखिए विच को हम लगाते हैं थिंग्स के लिए, थिंग्स के लिए, और दैट को हम लगाते हैं पर्सन के लिए। ठीक है, विच को हम नॉर्मली थिंग्स के लिए ही लगाते हैं, पर्सन के लिए नहीं लगाते। दैट को हम दोनों केसेस में लगाते हैं, पर्सन के लिए भी और थिंग्स के लिए भी, लेकिन पर्सन के सेंस में हम दैट को प्रेफर करते हैं, दैट वहाँ पर प्रेफरेबल रहता है। ठीक है, तो इस हिसाब से यदि देखा जाए तो यहाँ पर विच जो है सूटेबल ऑप्शन रहेगा। और इसमें एक कॉन्सेप्ट मैं आपको और बता रहा हूँ, आप ट्रांसपोर्ट के बाद देखिए, ट्रांसपोर्ट से लेके यहाँ पर, ट्रांसपोर्ट से लेके यहाँ तक इसमें कॉमा दिया हुआ है, तो कॉमे के अंदर हम किसको रखते हैं, कॉमे के अंदर हम नॉन एसेंशियल पार्ट को रखते हैं और नॉन एसेंशियल पार्ट की शुरुआत हम विच से करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चूंकि हम थिंग्स की भी बात कर रहे हैं और नॉन एसेंशियल पार्ट जो है वो कॉमे के अंदर है, कॉमा के अंदर है, तो इसलिए इसमें विच जो होगा वो आपका सही आंसर होगा। दैट को हम नॉर्मली पर्सन के सेंस में प्रेफर करते हैं और दैट को हम तब भी लगाते हैं जब हम किसी चीज़ को डिस्टिंग्विश करते हैं। जैसे तीन चीज़ें हैं और उसमें से किसी एक चीज़ को आपको डिस्टिंग्विश करना है, अलग करना है। ठीक है, तो उस सेंस में हम दैट को, दैट का यूज़ करते हैं। दैट को हम डिफाइनिंग क्लॉज में यूज़ करते हैं बिना किसी कॉमे के। तो यहाँ पर कॉमा दिया है, थिंग्स की भी हम बात कर रहे हैं, तो इसलिए विच आएगा। अब इसमें दोज क्यों नहीं आएगा? देखिए दोज जो है वो डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन है, वो किसी चीज़ को डेमोंस्ट्रेट करता है, बताता है। जैसे दिस, दैट, दीज, दोज, दिस इज माय पेन, दैट इज माय पेन, दीज आर माय बुक्स, दोज आर माय बुक्स। तो दिस, दैट, दीज, दोज जो होता है वो डेमोंस्ट्रेट करता है। तो यहाँ पर हमें इसको रिप्लेस करने के लिए, देखिए यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें दी हैं, स्कूल यूनिफॉर्म, बुक, स्टेशनरी एंड ट्रांसपोर्ट, उसकी हम बात कर रहे हैं, तो उसको रिप्लेस करने के लिए यहाँ पर आपको एक रिलेटिव प्रोनाउन चाहिए। और रिलेटिव प्रोनाउन केवल विच और दैट होते हैं, दोज नहीं होता। और विच और दैट में से विच, चूंकि हम थिंग्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो विच इसमें आपका सही आंसर होगा। आगे चलते हैं। इट इज़ ऑब्वियसली रॉन्ग एज द कॉस्ट ऑफ स्कूल यूनिफॉर्म बुक्स एंड स्टेशनरी एंड ट्रांसपोर्ट
विच ऑल आर अंडर द मोनोपोली ऑफ द स्कूल. ये सारी चीज़ें नॉर्मली स्कूल कंट्रोल करते हैं, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर मोनोपोली वर्ड आया है. आर नॉट इंक्लूडेड. अब सेकेंड में क्या है, प्राइवेट स्कूल्स वॉन्ट एडिशनल मनी फॉर स्पेशल ओकेजन्स लाइक फेस्टिवल, पिकनिक एंड प्रोजेक्ट्स. प्राइवेट स्कूल्स जो हैं वो समय समय पर एक्स्ट्रा फीस स्टूडेंट से चार्ज करते हैं. ये बात सही है, ये बात सभी को पता है. जैसे फेस्टिवल्स होते हैं, पिकनिक्स होते हैं और प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो पिकनिक से रिलेटेड एक वर्ड यहाँ पर चाहिए, चूँकि कॉमा लगा है तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे सेकंड में. सेकंड में आपके पास ऑप्शन है ओकेजनली, रेंडमली, रेयरली एंड मोस्टली. तो समय समय पर जब ओकेजन्स आते हैं, कोई पिकनिक का ओकेजन है, कोई फेस्टिवल का ओकेजन है, तो एक्स्ट्रा फीस स्कूल चार्ज करते हैं. तो यहाँ पर सेकंड में सही आपका जो आंसर होगा वो होगा ओकेजनली. रेंडमली, रेयरली और मोस्टली. रेंडमली का मतलब तो है कि बिना किसी सीक्वेंस के, तो इसका उतना सेंस नहीं निकल रहा, ठीक है. रेयरली कभी कभार, लेकिन कभी कभार ऐसा नहीं होता, वो ओकेजनली ही चार्ज करते हैं. और मोस्टली मतलब ज़्यादातर समय. तो यहाँ पर जो सही होगा, जो सही ऑप्शन होगा वो हो ओकेजनली, क्योंकि ओकेजन यानी अवसर के हिसाब से वो चार्ज करते हैं. तो ओकेजनली जो वर्ड होगा वो यहाँ पर मोस्ट सूटेबल होगा सेकेंड में. और थर्ड में यहाँ पर आपको पिकनिक का इक्विवेलेंट वर्ड चाहिए, तो पिकनिक का इक्विवेलेंट वर्ड देखिए यहाँ पर क्या है, एक्सकर्सन जो है वो पिकनिक का इक्विवेलेंट वर्ड है. इसमें देखिए एक्सपेडिशन दिया है, ट्रेवल दिया है, टूर दिया है. एक्सकर्सन का क्या मतलब है, एक्सकर्सन होता है छोटी छोटी जो ट्रिप्स होती हैं घूमने के लिए हम जाते हैं उसको हम बोलते हैं एक्सकर्सन्स. एक्सपेडिशंस नॉर्मली ग्रुप में जब लोग जाते हैं किसी चीज़ की खोज करने के लिए, किसी चीज़ को एक्सप्लोर करने के लिए, जैसे नॉर्थ पोल पे कुछ लोग गए थे, साउथ पोल पे कुछ लोग गए थे, माउंट एवरेस्ट पर जाते हैं, तो रिसर्च करने के लिए, खोज करने के लिए, किसी चीज़ को एक्सप्लोर करने के लिए एक्सपेडिशन वर्ड का यूज़ होता है. तो थर्ड में आपका सही आंसर क्या होगा, थर्ड में आपका सही आंसर होगा एक्सकर्सन्स. पिकनिक, एक्सकर्सन्स एंड प्रोजेक्ट्स एंड दे ऑफन रेकमेंड ट्यूशंस फॉर चिल्ड्रन. इसमें ये सारा स्कूल की जो फंक्शनिंग है उसके बारे में इसमें बताया है. स्कूल ट्यूशन को भी रिकमेंड करते हैं कि बच्चों को इस टीचर से पढ़वाया जाए. दे ऑफन रिकमेंड ट्यूशंस फॉर द चिल्ड्रन एंड नन ऑफ दिस इन दिस कॉस्ट कैलकुलेशन. जो स्कूल की फीस जो चार्ज की जाती है उसमें से इस किसी भी चीज को काउंट नहीं किया जाता है. तो नन ऑफ दिस, इसमें से किसी भी चीज को काउंट नहीं किया जाता स्कूल के द्वारा. तो यहां पर पैसिव वॉइस का कॉन्सेप्ट आ गया कि किसी काम को किया जाता है किसी व्यक्ति के द्वारा. तो यहाँ पर पैसिव वॉइस का कंसेप्ट आ गया. और इसमें चूंकि प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है इसलिए इसमें हम बोल रहे हैं, हम यहाँ पर ये नहीं बोल रहे हैं कि इसको किया गया है, इस फीस को काउंट किया गया है. हम यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि इस फीस को काउंट नहीं किया जाता, तो इसलिए इस काउंटेड कहना यहाँ पर सही होगा. तो नन ऑफ दिस इज काउंटेड इन दिस कॉस्ट कैलकुलेशन. हाउएवर द फैमिली, जो फैमिली होती है इस बर्डन को क्या करती है, बेयर करती है. फैमिली चूंकि सिंगुलर है तो इसलिए यहाँ पर हम ऐसी एक नाउन लगाएंगे जिसमें एस हो और प्रेजेंट सिंपल टेंस में हो. तो यहाँ पर फैमिली इस चीज़ को बेयर करती है. तो फैमिली सिंगुलर है तो इसलिए हमने यहाँ पर बेयर्स लगाया है. एंड दीज आइटम्स एड सिग्निफिकेंटली टू द रिवेन्यू ऑफ प्राइवेट स्कूल्स. और इन चीज़ों से जो फीस आती है, जो कलेक्शन आता है, उससे काफ़ी हद तक सिग्निफिकेंटली मतलब एक महत्वपूर्ण रूप से और एक बड़ा अमाउंट रेवेन्यू में ऐड होता है स्कूल की फीस में. तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो होगा बेयर्स. तो इस तरीके से क्लोज टेस्ट को आपको करना होता है सीजीएल टीयर वन में और टीयर टू में. इस तरह से क्लोज टेस्ट पूछे जाएंगे और क्लोज टेस्ट ज़्यादा टफ या ज़्यादा ट्रिकी नहीं आते. और सिंपल जो टॉपिक्स रहते हैं जो न्यूज़पेपर में आते हैं या सिंपल मैगजीन्स में छपते हैं वहीं से सीजीएल के लिए क्लोज टेस्ट को पिक किया जाता है. तो अपनी रीडिंग आप कंटिन्यू रखें, अपने न्यूज़पेपर को आप रेगुलर बेसिस पर आप स्टडी करें, मैगजीन्स को रेगुलर बेसिस पर आप स्टडी करें, उसके थ्रू आप क्लोज टेस्ट को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं. तो इस वीडियो क्लास में इतना ही. अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में. यदि आप हमारा सीजीएल टीयर वन के लिए टारगेट बैच ज्वाइन करना चाहते हैं जीके के लिए, इंग्लिश के लिए, तो इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं और इन नंबर्स पर भी आप मुझसे बात कर सकते हैं. तो इस वीडियो क्लास में इतना ही. अब मैं आपसे मिलूंगा
नेक्स्ट वीडियो क्लास में। थैंक यू।